नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो आगे का टॉपिक होने वाला है, ये रिंगर आईसी। आप जो हम लोग जो सीखने वाले हैं वो रिंगर आईसी के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारे मोबाइल फोन में रिंगर आईसी का क्या रोल होता है, रिंगर आईसी को मोबाइल फोन में कैसे पहचानते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम आपको एक एक करके जितने भी मोबाइल फोन है, सारे मोबाइल फोन का स्टेप बाय स्टेप हम आपको वीडियो लेकर के आए हैं, ताकि आप वीडियो के माध्यम से आप एक एक करके वन बाय वन सभी चीजों के बारे में आप सीख सके। मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टोर कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग का टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। और यहाँ पर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के सप्लाई सर्किट सभी तरह के आपको नॉलेज देते हैं, ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं कि आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है। यह आईसी रिंगर चलाने का वर्क करती है, इसकी पहचान के लिए इसके पास में दो ब्लैक कलर की नॉर्मल कॉइल लगी होती हैं। तो रिंगर आईसी या इसी सेट में रिंगर चलाने का काम करती है, इसकी पहचान के लिए इसके पास में दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती है, और यह नॉर्मल कॉइल होती है। कैसी होती है? नॉर्मल कॉइल होती है। जैसे कि अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि ये मान लिया आपके बोर्ड में आईसी लगी हुई है, इसके पास में कहीं चारों तरफ इधर 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 चारों साइड में कहीं भी दो ब्लैक कलर की कॉइल ऐसी लगी होंगी, नॉर्मल कॉइल होंगी। अब देखिए, रिंगर आईसी का काम करने का तरीका क्या होता है, रिंगर आईसी कैसे काम करती है। रिंगर आईसी का काम करने का सिस्टम ये होता है कि रिंगर आईसी को काम करने के लिए सबसे पहली बात 3.7 वोल्टेज मिलता है। जब 3.7 वोल्टेज मिलता है तब रिंगर आईसी हमारी एक्टिव होती है। फिर रिंगर आईसी को पावर आईसी के माध्यम से सिग्नल आते हैं। ये सिग्नल क्या काम करते हैं, इस आईसी उन सिग्नलों को बूस्ट करती है। बूस्ट करने के बाद वो सिग्नल एम्पलीफाई होते हैं, एम्पलीफाई होने के बाद आगे जाते हैं और इस कॉइल के माध्यम से आउटपुट होकर के आपके मोबाइल फोन में रिंगर पे चले जाते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन में रिंगर में आवाज आना चालू हो जाती है। उसके बाद इस मोबाइल फोन के अंदर एक कंट्रोलिंग का भी लाइन दिया होता है, जो इस आईसी को ये कंट्रोल करती है कि भाई तुमको कितना आवाज बढ़ाना है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, ये कंट्रोलिंग के लिए लाइन भी दिया होता है। तो ये रिंगर आईसी इस तरीके से काम करती है। अगर रिंगर आईसी खराब हो जाती है तो हमारे मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि रिंगर नहीं बजती, गाने नहीं बजते, इस तरीके से ऐसी टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो कई बार दोस्तों देखा गया है कि रिंगर नहीं काम करता, तो आप रिंगर के सर्किट को कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको आईसी का पहचान बताया कि रिंगर आईसी मदरबोर्ड में या बोर्ड में कैसे पहचानेंगे। तो यह आईसी रिंगर को चलाने का काम करती है, इसकी पहचान के लिए इसके पास में दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती है। क्या लगी होती है? दो ब्लैक कलर की, टू ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती है, जिससे आपको इस आईसी की पहचान होती है कि ये मोबाइल फोन में आपकी जो लगी है ये आपकी रिंगर आईसी है। कैसी है? रिंगर आईसी। अब चलिए मैं इसी चीज को बोर्ड में देखता हूं और मैं आपको बोर्ड में दिखाता भी हूं। देखिए, अब जैसे मेरे पास बोर्ड है, मैं इस बोर्ड में आपको दिखाता हूं कि आप बोर्ड में रिंगर आईसी को कैसे पहचानेंगे। देखिए, ये देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे तो आपके बोर्ड में लगा हुआ है ये दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी, ये आपकी आईसी लगी है। यहाँ पर यह बात नहीं होती कि किस मोबाइल फोन में, कोई भी मोबाइल फोन हो सकता है आपके पास, किसी भी कंपनी का, चाहे आपके पास एम आई आ जाए, ओप्पो आ जाए, वीवो आ जाए, रियलमी आ जाए, या किसी और भी कंपनी का चाइनीज कोई भी मोबाइल फोन आता है,
उस सभी कंपनी के मोबाइल फोन के अंदर ये हमारी रिंगर आईसी पाई जाती है। रिंगर आईसी की पहचान का तरीका क्या होता है, उसके पास में दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती है। तो इस तरीके से जो ब्लैक कलर की कॉइल होती है, इससे हमको ये पहचान में आता है कि ये हमारे मोबाइल फोन में रिंगर आईसी है, और ये खराब होने से हमारे मोबाइल फोन में रिंगर से प्रॉब्लम आती है, रिंगर संबंधित प्रॉब्लम आती है, जिसको हम लोग दोस्तों आपको ठीक करना बताते हैं। तो जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि ये आपके मोबाइल फोन में रिंगर आईसी है, और इसी तरीके से आपके पास और भी जो मोबाइल फोन आने वाले हैं, आप उनको रिंगर आईसी को पहचान सकते हैं। यह रिंगर आईसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके पास कोई भी फोन बनने के लिए आएगा, अगर उसमें रिंगर संबंधित प्रॉब्लम है तो आप ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार हमारे मोबाइल फोन में नीचे यूआई है, यूआई में ऐसे स्पीकर के पॉइंट दिए होते हैं, अगर रिंगर बजना बंद हो जाता है तो हम रिंगर की कनेक्टिविटी को ऐसे ही कर यहाँ से जोड़ देते हैं, तो बीच में अगर पत्ता, लाइन, सप्लाई कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो वो चीज़ें डायरेक्टली सप्लाई यहाँ से कनेक्ट हो जाती है और आपके मोबाइल फोन में रिंगर बजना चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों, कि जैसा कि आज मैंने रिंगर आईसी के बारे में टॉपिक आपको बताया है, इसी तरीके से हम आपको एक एक करके मोबाइल फोन के अंदर 12-14 तरह के जितने भी सारी आईसी हैं, सारी आईसी के एक एक आपको डिटेल आपको दे रहे हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि इन सारी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकें। और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास जो बच्चे लोग आते हैं, दूर से ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, वो ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका सीख कर जाते हैं। और यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में आपको पूरा यूजर फ्रेंडली माहौल मिलता है, और सीखने के लिए सारे इक्विपमेंट, सारे मशीन, सारे टूल, चालू मोबाइल फ़ोन में काम करने का तरीका, और एक्सपीरियंस टीचर के माध्यम से आपको एक एक करके सब चीज़ों के बारे में आपको ट्रेनिंग सिखाया जाता है, कि किसी चीज़ को आप बिना बेझिझक के एक चीज़ को 10 बार पूछ सकते हैं, हजारों बार सीख सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे पास बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो लोग सर कई जगह से ट्रेनिंग ले चुके हैं, और काफ़ी टाइम तक वो किसी दुकान में काम करके या ऐसा कुछ वर्किंग करके महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर भी काम किया है, उसके बावजूद भी उनका कंप्लीट कोर्स नहीं हो पाया, और आज वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए, वो पूरा कंप्लीट सीख कर गए और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप भी अगर ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे नंबर दिया हुआ है 6391711711 6391211211। यहाँ पर आपको सभी मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका सिखाया जाता है। और अगर आप दिन में देखना चाहते हो कैसे क्लासेस होती हैं, तो कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हो, क्लास चलते हुए देख सकते हो कैसे सिखाया जाता है, सिखाने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारी वीडियो हम आपको इसलिए देते हैं ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर तो रहे हैं, लेकिन उनको करने का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल भी ये नहीं जानते कि मोबाइल फ़ोन काम कैसे किया जाएगा और रिपेयरिंग का तरीका क्या है। वो कहीं पर भी अपने मन से ही सीखते सीखते काफ़ी समय निकाल दिया, और अगर देखा जाए तो बोर्ड जब उनके पास कोई बनने के लिए आता है तो एक आईसी को पहचानना भी बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि रिपेयरिंग में सब लोगों का कहते हैं कि मैं सारा कुछ कर लेता हूँ, कॉम्बो डाल देता हूँ, चार्जिंग कनेक्टर डाल देता हूँ, माइक स्पीकर रिंगर डाल देता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन जहाँ पर आईसीयों की बात आती है तो वहाँ पर हाथ खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर हाथ इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि उनको बोर्ड में पहचान नहीं हो पाती। जब बोर्ड में पहचान नहीं हो पाती तो उनको कहीं ना कहीं काम करने में प्रॉब्लम आती है और काम करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इसीलिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को सीख सकें, अच्छे से खड़े हो सकें, अच्छी तरीके से काम कर सकें, और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, शिकायत ना आए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आज हम लोगों ने रिंगर आईसी के बारे में सीखा है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के माध्यम से सीखें, और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज करें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।